ये चैनल जिसने 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन किए हुए हैं, ये मंथली $12,000 पर मंथ कमाते हैं ऐसी इन लाइक हिस्ट्री वीडियोस अपलोड करके। ये इनकी कुछ वायरल वीडियोस हैं, ये देखिए। अगर आप भी ऐसी वीडियोस बनाना चाहते हैं और इनसे ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को फुली वॉच करें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, क्रिएट वीडियो स्क्रिप्ट। स्टेप नंबर 1 पर हम आ जाते हैं गूगल बार्ड पर। हम यहाँ पर आ जाएंगे और इस फर्स्ट वेबसाइट पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम गूगल बार्ड पर आते हैं, ये एक AI टूल है जिस पर आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे, ये आपको उसका आंसर देगा ChatGPT की तरह। तो हम यहाँ पर जैसे ही आ जाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे राइट, हम यहाँ पर लिख देते हैं ब्राइट हिटलर स्टोरी। आपको लाइक टॉपिक रिसर्च पहले से करके रखनी है कि कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कैसे आप स्टोरी लिख सकते हैं। आपको अपना लाइक देना है पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको कैसी चाहिए। लाइक राइट, मुझे चाहिए थे हिटलर स्टोरी 1000 वर्ड्स में, पर ये बहुत ही लंबी है, मतलब बहुत लॉन्ग है ये। इतनी लाइक मुझे इतनी बड़ी नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी छोटी सी चाहिए। तो मैं फिर लिख दूंगी, अगर आपको लाइक इतनी लंबी नहीं चाहिए, अगर आपको बड़ी चाहिए, जितनी बड़ी चाहिए आप उतने वर्ड्स लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया 500 वर्ड्स ताकि थोड़ी उससे शॉर्ट हो। तो ये देखें, इन्होंने फिर से ही लिख दी और ये भी मुझे लाइक इतनी अच्छी नहीं लगी बिकॉज़ ये भी थोड़ी सी बड़ी थी। तो मुझे 300 वर्ड्स की चाहिए। यहाँ पर मैं लिखूँगी इन ओनली 300 वर्ड्स। तो यहाँ पर फिर से सेंड कर दी। उसके बाद जैसे इसको सेंड करेंगे, ये ऐसी लाइक शॉर्ट फॉर्म की ऐसी लाइक ये देखिए शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने सारी कहानी को एक्सप्लेन कर दिए। तो उसके बाद इसे हम कॉपी कर लेंगे। इसे कॉपी करने के बाद हम न्यू नोट्स पर जाकर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए इतनी शॉर्ट सी है और लाइक प्रिटी अट्रैक्टिव भी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर जनरेट वॉइस ओवर। वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए हम चले जाते हैं 11 लैब्स पर, जो कि AI वॉइस ओवर जनरेटर है जो कि रियलिस्टिक वॉइस ओवर्स जनरेट करते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे 11 लैब्स पर वेबसाइट पर। उसके बाद कॉपी कर लेंगे ये पैराग्राफ कॉपी कर लेंगे पहले और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम चूज़ करेंगे कि हमें कौन सी वॉइस चाहिए। मुझे ये मैथ्यू की वॉइस चाहिए थी तो मैंने ये चूज़ कर लिया और उसके बाद इसे जनरेट कर लिया। ये देखिए ये जनरेट हो रही है। जैसे ये जनरेट हो जाए मैं साइड वाले बटन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लूँगी। उसके बाद मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पर फिर से पेस्ट कर देती हूँ सेकेंड वाले पैराग्राफ को। और ऐसे ही हमें सारे लाइक पैराग्राफ ऐसे ही रिपीट करने हैं, सारे स्टेप्स वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए हम ऐसे ही सारे स्टेप्स रिपीट करेंगे सारे स्क्रिप्ट के साथ। ये देखें ये जैसे ही जनरेट हो जाए फिर हम साइड वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ पर इसे डाउनलोड कर लेंगे। और ये देखिए ये हम नेक्स्ट पैराग्राफ कॉपी करेंगे। ऐसे ही करते करते हमें सारी लाइक सारे स्क्रिप्ट के वॉइस ओवर जनरेट कर देने हैं। उसके बाद जैसे ही ये जनरेट हो जाए हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। स्टेप नंबर 3, जनरेट प्रॉम्प्ट फॉर इमेज। तो हमें प्रॉम्प्ट लिखने हैं इमेजेस जनरेट करने के लिए। अगर आप चाहें आप अपने हिसाब से भी लाइक प्रॉम्प्ट खुद से भी लिख सकते हैं, बट मैं AI से लिखवाऊंगी बिकॉज मैं बहुत लेजी हूँ, जिसको लाइक मुझे लाइक इतनी पता नहीं है कि स्टोरी में कौन कौन सी इमेजेस आनी चाहिए। अगर आपको आसानी से ढूंढना है कि कौन कौन सी इमेजेस चाहिए, कौन कौन सी वो करनी है, तो आप यहाँ पर ChatGPT पर स्क्रिप्ट पेस्ट करेंगे और उसके बाद मैं स्टॉप कर दूंगी उसके स्क्रिप्ट को जनरेट करने में। और यहाँ पर लिख दूंगी राइट प्रॉम्प्ट्स टू जनरेट इमेजेस फॉर द अबव स्टोरी। उसके बाद इसे रीजनरेट करूंगी, बट ये 2-3 प्रॉम्प्ट्स ही लिख रहे हैं तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट्स को प्रॉम्प्ट्स कर दूंगी। उसके बाद सेव एंड सबमिट कर दूंगी। उसके बाद ये देखें ये 10 प्रॉम्प्ट्स लिखेंगे। आपको अगर 20 चाहिए आप लिख सकते हैं राइट 20 प्रॉम्प्ट्स, और लाइक आपको जितने चाहिए आप उतने लाइक कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। मैं इसे कॉपी कर लूँगी और नोटपैड में पेस्ट कर दूँगी। ये देखें मैं यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर इसे लाइक जैसे ही पेस्ट कर दिया हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे, जो कि स्टेप नंबर 4, जनरेट AI इमेजेस। तो स्टेप नंबर 4 पर यहाँ पर हम आ जाते हैं Leonardo.AI पर। जैसे यहाँ पर आएंगे क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद ये देखें यहाँ पर AI इमेज जनरेशन पर क्लिक करेंगे। उसके यहाँ पर ये कॉपी कर देते हैं प्रॉम्प्ट और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। जनरेट के बटन पर क्लिक करके इस इमेज को जनरेट कर लेंगे।
आप देख सकते हैं ये इमेज जनरेट हो गई है। जैसे ये हो जाए मैं इसे सेव कर लूँगी। सेव करके मैं अब इसे कट कर दूँगी। जो जो प्रॉम्प्ट जनरेट होता जा रहा है मैं उसे कट कर दूँगी और इसे फिर से प्रॉम्प्ट पेस्ट करके जनरेट पर क्लिक करके इसे जनरेट करवा लिया। ये देखिए ये हमने नेक्स्ट इमेज को भी ऐसे ही किया है। हम यही स्टेप सारे प्रॉम्प्ट्स के साथ रिपीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ बिकॉज़ इतना टाइम नहीं है। ये बहुत टाइम लेते हैं इमेज जनरेट करने में तो इतना टाइम नहीं। जैसे ये एक इमेज जनरेट हो जाती है मैं पेस्ट करके फिर से जनरेट पर क्लिक कर देती हूँ। और ये देखिए ये इमेजेस भी कितनी अच्छी और उल्टा रियलिस्टिक इमेजेस हैं। ये देखिए बिल्कुल ही रियलिस्टिक इमेजेस लग रही हैं। ये देखें उसका ये पेस्ट करके जनरेट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही जनरेट करेंगे ये देखें ये वाली है ये भी कितने। उसका नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं एडिट वीडियो एंड प्रीव्यू। तो हमने इस वीडियो को एडिट कर लेना है। हमने वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग एडिट करना है वीडियो को। ये देखें यहाँ पर ये ऐड कर दूंगी ये इमेजेस। ओके इसे कट कर दूंगी। उसके बाद पहले आपको चूज़ कर लेना है आपको किस फॉर्मेट में वीडियो चाहिए। तो वो फॉर्मेट चूज़ करने के बाद हम इमेजेस ऐड करेंगे वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग। तो ये देखें मैंने ये इमेजेस ऐड कर दी। और कोई भी कोई भी क्लिप या इमेजेस मैं 3 सेकेंड से ज़्यादा नहीं यूज़ करूँगी बिकॉज इससे ऑडियंस का रिटेंशन कम होता है। तो इसलिए तो हमें कोई भी इमेज या वीडियो हमें वो नहीं 3 सेकेंड से ऊपर नहीं यूज़ करनी है। तो मैं कट कर दूँगी इसे और इमेजेस ऐड कर दूँगी यहाँ पर। ओके फिर उसके बाद मैंने ये ऐड कर दी है जो कि इसमें यही आती थी अभी। तो आपको पहले ध्यान से सुनना होगा वॉइस ओवर को। तो उसके बाद जैसे ही ये देखें इसे मैं कट कर देती हूँ यहाँ से ये आएगी ये भी चल जाएगी। ओके उसके बाद कट कर देते हैं। और यहाँ पर हमें ये ऐड करने थोड़ा सा ही रह गया है। तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगी बिकॉज इसकी बात हो रही है तो ये ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ये ऐड करेंगे। ओके उसके बाद यहाँ पर ये ऐड कर देंगे। ओके और इसे कट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एनिमेशन लगा देंगे ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे ताकि ऑडियंस का ध्यान ना भटके। तो हम यहाँ पर एनिमेशंस भी लगाएंगे ताकि बोरिंग भी ना लगे। तो हम ये एनिमेशंस लगा देंगे। एनिमेशन लगाने के बाद हम इसे कर देंगे। एनिमेशंस लगाने के बाद हम इसे एक्सपोर्ट कर देंगे और मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे उसके बाद हम थोड़ा बैकग्राउंड म्यूज़िक भी लगाएंगे फिर उसके बाद हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे। पहले हम बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाएंगे। ये देखें मैं यहाँ से बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड कर देती हूँ। ये है बैकग्राउंड म्यूज़िक ये वाला ऐड कर देंगे हम यहाँ पर। थोड़ा सा ही ऐड कर देना है एडजस्ट कर देना है हमने यहाँ पर। ओके ये सही लग रहा है थोड़ा सा थोड़ा कम और इतना सही है। इसके बाद ये एडजस्ट करने के बाद हम इसे एक्सपोर्ट कर देंगे। ये देखें एक्सपोर्ट कर देते हैं। Adolf Hitler was an Austrian-born German politician who was the dictator of Germany from 1933 until 1945. He rose to power as the leader of the Nazi Party, which promoted far-right views such as fascism, racism, and anti-Semitism. आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा मुझे वीडियोस देखने के लिए। तो चल मिलते हैं अगली वीडियो में।